मैं हूं आशुकिन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बीवियों की अदला बदली कैसे की जाती है, इस मामले का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। बीवी की अदला बदली, क्या ये शब्द पहले आपने सुना है? शहरों में आजकल वाइफ स्वैपिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अक्सर इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे क्या है वाइफ स्वैपिंग गेम और कैसे ये गेम महिलाओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, कैसे चलता है वाइफ स्वैपिंग का गंदा खेल। इस खबर में हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप जान लीजिए वाइफ स्वैपिंग होती क्या है। पिछले कुछ सालों में वाइफ स्वैपिंग शब्द अक्सर खबरों में सुनने को मिल जाता है। वाइफ स्वैपिंग यानी बीवियों की अदला बदली। सेक्स लाइफ को मसालेदार बनाने के लिए इन दिनों वाइफ स्वैपिंग का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग एक एक रात के लिए दूसरे की पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और अपनी पत्नी को उस महिला के पति के पास भेजते हैं। वाइफ स्वैपिंग यूरोपियन देशों में काफी मशहूर है, लेकिन हमारे देश में भी अब हाई क्लास सोसाइटी में बीवियों की अदला बदली का एक खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। वाइफ स्वैपिंग को लेकर कई ग्रुप भी बनाए जाते हैं, जिनमें इस तरह के कपल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर आपसी रजामंदी से दूसरे के पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं। कई बार इस तरह के गेम के लिए बकायदा काफी बड़े ग्रुप भी तैयार किए जाते हैं। ड्रॉ निकाला जाता है जिससे ये तय होता है कि कौन किसकी पत्नी के साथ जाएगा। नए नए तरीकों से वाइफ स्वैपिंग का ये गेम भारत में भी जगह ले रहा है। इस तरह के गेम में पति पत्नी दोनों की मर्जी शामिल होती है, इसलिए ज्यादातर मामलों में ये खबरों का हिस्सा नहीं बन पाते। लेकिन कई बार पति जबरन पत्नी को दूसरे शख्स के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बीकानेर में, जहां नीलोफर का पति एक होटल में काम करता है। नीलोफर के मुताबिक यहां वाइफ एक्सचेंज पार्टी होती थी और उसका पति मोहम्मद अमार उसे उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। उसने जब इनकार किया तो उसके पति का कहना था कि तुम गवार हो। नीलोफर के मुताबिक वो चाहता था कि नीलोफर उसके दोस्त के साथ सेक्स करे। नीलोफर के इनकार करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की। नीलोफर ने बताया कि पति ने उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हैवान ने नीलोफर के साथ अप्राकृतिक सेक्स भी किया। नीलोफर बड़ी मुश्किल से बीकानेर से बचकर अपने मायके भोपाल आई और सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। लड़की के परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। भोपाल का ये मामला कोई नया नहीं है। वाइफ एक्सचेंज या वाइफ स्वैपिंग के केस अब लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही कांड 2022 मुजफ्फरनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उस महिला की शादी 2021 में गुरुग्राम के एक शख्स के साथ हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम में ही वाइफ स्वैपिंग पार्टीज होती है, जहां उसका पति उसे शामिल होने के लिए जबरदस्ती करता है। अगर वो मना करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि उसके पति ने धमकी दी हुई है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा। केरल में भी हो चुका है वाइफ स्वैपिंग का बड़ा खेल। यहाँ भी वाइफ स्वैपिंग का ऐसा ही मामला सामने आया। एक बड़ा ग्रुप इस तरह की पार्टी आयोजित कर रहा था जिसमें वाइफ स्वैपिंग भी होनी थी। एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पार्टी का भंडाफोड़ हो गया। दरअसल इस महिला का पति भी इसे पार्टी का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर रहा था और महिला पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें ज्यादातर लोग केरल के थे जबकि कुछ लोग गोवा के रहने वाले थे। पुलिस को संदेह था कि इस तरह वाइफ स्वैपिंग के कई ग्रुप और भी यहां पर एक्टिव हैं।